मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अब पसंद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें अपन दो प्रमुख सभ्यताएँ कालीबंगा और आहड़, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में राजस्थान की जो अन्य प्राचीन सभ्यताएँ हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में नीमका थाना के पास जयपुर खेतड़ी हाईवे पर स्थित ये जो गणेश्वर सभ्यता है, खेतड़ी जो तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान रहा है और आज भी है, उसके एकदम निकट स्थित है। ये जो सभ्यता रही है, इस सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व माना गया है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं, उस सभ्यता का जो काल का निर्धारण हमने किया 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। कई इतिहासकार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। उसी के समकालीन या उससे भी पूर्व की सभ्यता गणेश्वर सभ्यता मानी गई है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसका जो टाइप है कि किस तरह की ये सभ्यता थी, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया। ताम्रयुगीन सभ्यता कहने के पीछे कारण यह था कि यहाँ पर हमें जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी सामान यहाँ से मिले हैं, जो भी पुरावशेष हमें यहाँ पर मिले हैं, उनमें तांबे की बहुतायत रही है। तांबे के उपकरण बहुत ज़्यादा प्राप्त होने के कारण से इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता का नाम दिया गया या दर्जा दिया गया। और खास बात यह है कि भारत में ज्ञात सबसे प्राचीनतम ताम्र सभ्यता के रूप में गणेश्वर का नाम आता है, यानी कि अब तक जितनी भी खोज भारत में हुई है प्राचीन सभ्यताओं में, उसमें जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएँ पाई गई, उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता है। ये सीकर के नीमका थाना के पास कांतली नदी के किनारे स्थित है। हालांकि आज कांतली नदी नहीं बहा करती, लेकिन अतीत में जब कांतली नदी बहा करती थी, सीकर जिले की गणेश्वर खंडेला पहाड़ियों से निकलते हुए झुंझुनू में आती थी और चूरू जिले के पास आकर ये समाप्त हो जाया करती थी। उसी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, और इस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता मानी गई है, और उसके पश्चात ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास भारत में अन्यतर हुआ था। इस कारण से गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो पत्थर के मकान, पत्थर के बांध, चूँकि नदी इस रास्ते बहा करती थी इसलिए पत्थर के बांध मिले हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण से यहाँ पर बड़े बड़े बांध जो बनाए गए थे, इन्हीं पत्थरों से बनाए गए थे, और नदी का क्षेत्र होने के कारण से मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब लोग यहाँ से मछली पकड़ने का व्यवसाय या मछली को पकड़ना बेचने का व्यवसाय भी किया करते थे। बाणाग्र यहाँ से मिले, यानी कि एक प्रकार से बाण के रूप में अवशेष यहाँ पर मिले, और फर्श से वे भाले भी मिले। और ख़ास बात ये कि जो भी उपकरण यहाँ पर मिले इस प्रकार के धातु के उपकरण, वो सारे के सारे उपकरण तांबे के प्राप्त हुए। गणेश्वर सभ्यता को तो जो तांबों की आपूर्ति है वो खेतड़ी से होती थी, क्योंकि खेतड़ी बहुत ही निकट स्थित है। करीबन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में खेतड़ी पड़ती थी, इस कारण से तांबे की समस्त आपूर्ति यहाँ खेतड़ी से हुआ करती थी। अगली जो सभ्यता है वो बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता की एक खास बात यह है कि इसमें एक साथ 5 अलग अलग सभ्यताओं के स्तर प्राप्त हुए, अलग अलग सभ्यताओं के, जैसे सबसे पहला पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष, उसके पश्चात ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष, फिर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष, फिर मौर्य युग के अवशेष, और उसके पश्चात गुप्त काल के अवशेष, यानी कि 5 सभ्यताओं के स्तर, पाषाण, ताम्र, लोह, मौर्य काल और गुप्त काल, इनके अवशेष हमें बेराट या विराट नगर से प्राप्त हुए। बेराट का प्राचीन नाम
विराट नगर था जो किसी समय मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। अगर हम महाभारत की भी बात करते हैं तो महाभारत में भी विराट का उल्लेख आता है, और यहाँ तक कि जो पांडव थे इनको जो अज्ञातवास प्राप्त हुआ था उन्होंने अज्ञातवास का समय विराट नगर में ही व्यतीत किया था, और विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। इस विराट सभ्यता की जो खोज है 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। 1936-37 में खोज का श्रेय जो है दयाराम साहनी को जाता है, लेकिन उत्खनन कार्य 1962-63 में प्रारंभ हुआ, इसको करने का श्रेय नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, दो व्यक्ति जिन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया वो थे नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित 1962-63। जो विराट की सभ्यता है यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, विराट नगर की पहाड़ियाँ कहा जाता है इनको। इनमें से तीन पहाड़ियों की खुदाई की गई, तीन पहाड़ियों के नाम थे क्रमशः भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी और गणेश डोंगरी। ये वो डोंगरी है यानी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनकी खोज सभ्यता की खोज के लिए की गई, जिनकी उत्खनन कार्य इन डोंगरियों में किया गया, भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी। जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के कई तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी है वो इस बात पर विशेष ध्यान दे, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है जिन डोंगरियों की या जिन पहाड़ियों की खोज उत्खनन के लिए चुना गया वो भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी और गणेश डोंगरी थी। और मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ से विराट नगर से अलग अलग प्रकार के स्तर मिले, पाषाण युग के, ताम्र युग के, लोह युग के, मौर्य युग और गुप्त काल के। पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो भानगढ़ और डिघारिया से मिले हैं। अपन जो पांच अलग अलग स्तर है उनके बारे में बात करेंगे। पहले पाषाण काल के, पाषाण युग के जो अवशेष है वो भानगढ़ और डिघारिया से मिले, यहाँ से शिलाश्रय, शिलाश्रय का मतलब शेल का आश्रय यानी कि गुफाएं, पहाड़ों का आश्रय गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई है जो पाषाण काल के। और जो ताम्र युग के साक्ष्य है वो जोधपुरा, जयपुर के पास एक छोटा सा गांव जोधपुरा से मिले, यहाँ से ओकर कलर पात्र, ध्यान से समझिएगा, ओकल ओकर कलर पात्र, इसका मतलब होता है उकेरन विधि से चित्रांकन, यानी कि ऐसा चित्र जो किसी चीज पर बनाया गया हो लेकिन उसके ऊपर उसका उभार हो, उसको उकेरा गया हो, इसको ओकर कलर पात्र कहा जाता है। इसके साक्ष्य हमें जोधपुरा से मिलने हैं जो ताम्र युग के हैं। इसके अलावा मौर्य युग के सबसे ज्यादा साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और विराट में मौर्य युग के इतने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हमें अशोक और बौद्ध इनके बारे में भी बहुत सी जानकारी विराट से प्राप्त होती है। यहाँ से जो मौर्य युग के साक्ष्य मिले उसमें अशोक का स्तंभ मिला है, बौद्ध विहार मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं और गोल आकृति के देवालय मिले हैं। ध्यान रखिएगा, गोल आकृति के जो देवालय हैं वो बौद्ध धर्म में ही प्रचलित है, इसके देवालय हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 1837 में कैप्टन बर्ट, अंग्रेज कैप्टन थे ये ध्यान रखिएगा, कैप्टन बट ने बीजक डोंगरी से, अभी अपन ने तीन डोंगरी की बात की थी, भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी और गणेश डोंगरी, जहाँ से विराट सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, बीजक डोंगरी से ब्राह्मी लिपि में लिखा अशोक का भामरू शिलालेख खोजा था। अगर अपन इतिहास की बात करें तो अशोक का भामरू शिलालेख का इतिहास में अपना ही स्थान है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और ये बीजक डोंगरी से प्राप्त हुआ जिसकी खोज कैप्टन बट ने 1837 में की थी। यह जो अशोक का भामरू शिलालेख है यह अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र प्रमाण है, अशोक बौद्ध था, इसका प्रमाण यदि कहीं से प्राप्त होता है, इसकी जानकारी यदि कहीं से प्राप्त होती है, इसका प्रमाण अगर कहीं है तो ये भामरू का शिलालेख है। और इसमें अशोक ने त्रिरत्न यानी कि बौद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न में आस्था व्यक्त की है, इसी कारण से ये जो शिलालेख है, ये जो अशोक का भामरू शिलालेख जो प्राप्त हुआ है ये अशोक के बोध होने का सर्वाधिक प्रमाणित साक्ष्य। विराटनगर की यात्रा हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की थी, जो 634 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। जब 634 ईस्वी में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तो वो राजस्थान के दो जगह, एक तो विराट नगर और एक भीनमाल, दो जगह गए थे, और विराट नगर की यात्रा 634 ईस्वी में ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में बताया है कि विराट में 8 बौद्ध मठों का स्थान था, यानी 8 बौद्ध मठ ह्वेनसांग ने
बेराक में बतलाए हैं। इसके अलावा उसने वर्णन किया है हिंसांग के अनुसार हूण राजा तोरमान व मिहिर कुल ने विराट नगर में 1600 बौद्ध मठों को नष्ट किया और अष्ट कोटि यानी 8 करोड़ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। हूण राजा तोरमान और मिहिर कुल ने विराट में काफी उत्पात मचाया और ऐसा माना जाता है कि 8 करोड़ बौद्ध भिक्षुओं की और 1600 बौद्ध मठों को इसने नष्ट किया था, ऐसा वर्णन ह्वेनसांग ने किया। इसके अलावा स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय में, स्वाई राम सिंह द्वितीय जो जयपुर या कछवा वंश के शासक हुआ करते, इनके समय स्वर्ण मंजूषा यानी कि सोने का घड़ा, इसमें विराट नगर में बौद्ध की अस्थि अवशेष में मिले। भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष भी विराट से प्राप्त हुए एक सोने के घड़े में राजा राम सिंह द्वितीय के समय में। विराट नगर में गुप्त काल के जो अवशेष है वो संख लिपि के साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुए हैं। संख लिपि के साक्ष्य हमें विराट नगर से गुप्त काल के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन सूती कपड़े में लिपटे हुए पंचमार्क सिक्के मिले हैं, यानी गुप्त काल में जो सिक्के प्रचलित थे पंचमार्क सिक्के, वो भी यहाँ से सूती कपड़े में लिपटे हुए मिले। इस प्रकार से एक साथ पाषाण काल के और गुप्त काल, मौर्य काल, लोह काल और ताम्र युग, लोह युग, मौर्य युग और गुप्त काल, इनके साक्ष्य हमें एक साथ यहां से प्राप्त हुए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ह्वेनसांग ने राजस्थान में बेराट के अलावा भीनमाल, जालौर की यात्रा की थी। अभी मैं इस बारे में बात कर भी चुका हूं कि राजस्थान में दो जगह वो आए थे, एक तो बेराट में और एक भीनमाल में, भीनमाल जालौर में स्थित है, और यहाँ की यात्रा की और इन्होंने भीनमाल को पिल्लो मिल्लों का शहर कहा है। ध्यान दीजिएगा, भीनमाल को ह्वेनसांग ने पिल्लो मिल्लों का शहर कहा है। अगली है आर्य सभ्यता। आर्य ग्रामीण युगीन सभ्यता थी। ये जो महाभारत काल हमें प्राप्त होता है, महाभारत काल में, वैदिक काल में जो सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं पूरी की पूरी ग्रामीण सभ्यताएं थी, और इसी कारण से आर्य सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया। और आर्यवासी जो थे वो पशुपालन के साथ कृषि को भी महत्व देते थे। महाभारत में जो हमें सभ्यता मिलती है वो आर्य सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, और ये कृषि और पशुपालन के लिए जाने जाते थे। यदि आप महाभारत का अध्ययन करें तो आपको ये भी पता होगा कि पशुओं के लिए इस समय के जो शासन व्यवस्थाएं थी उनमें युद्ध भी हुआ करते थे। जब अज्ञातवास में पांडव बेराट में थे तब उन्होंने बेराट के राजा विराट की गायों की रक्षा के लिए युद्ध भी किया था। इससे ये पता चलता है कि वो पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। राजस्थान में आर्य सर्वप्रथम उत्तर पूर्वी भाग में आकर बसे। उत्तर पूर्वी भाग का मतलब जो ये इलाका है भरतपुर अलवर का इलाका, इस इलाके में आकर बसे और उसके पश्चात राजस्थान में अन्यत्र ये विस्तृत होते चले गए। ये गंगानगर तक गए थे, जोधपुर तक गए थे, झुंझुनू, चूरू, सीकर, ये जो इलाका है इनमें धीरे धीरे आगे ये आर्य लोग बसते चले गए। राजस्थान में इनका जो समय 1600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और यही वो समय है जब हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय मानते हैं। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य सभ्यता का विकास भारत में और राजस्थान में हुआ करता। इसके अलावा इसके जो प्रमाण है वो अनूपगढ़ व तरकाना वाला डेरा श्री गंगानगर जिले से प्राप्त हुए। अनूपगढ़ में बहुत सारे थेहड़ हैं आज भी हैं जिनकी खुदाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है, वहाँ पर भी आज भी आर्य सभ्यता के अवशेष दबे हुए पड़े हैं श्री गंगानगर जिले में। इसके अलावा जोधपुरा और बेराट यानी कि जयपुर जिले में, नोह भरतपुर जिले में और सुनारी झुंझुनू जिले में, इनमें भी आर्य सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अगली जो सभ्यता है वह है रंगमहल, जो हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ की तरफ जब चलते हैं तो पीलीबंगा से पहले रंगमहल नामक स्थान आता है, वहाँ पर यह सभ्यता ढूंढी गई थी। 1952 में स्वीडन देश के हन्नारिड और उनके दल के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। यहाँ पर गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगमहल की जो हनुमानगढ़ में सभ्यता प्राप्त हुई है उसमें गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें तांबे की मुद्राएं, पूजा के पात्र, अनेक धातुओं से निर्मित बर्तन व मूर्तियां, कुषाणकालीन सिक्के और गुप्तकालीन
खिलौने यानी कि अलग अलग समय की चीजें एक साथ यहाँ से प्राप्त हुई। इससे ये भी पता चलता है कि ये सभ्यता काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी और ये कुषाण काल और गुप्त काल के समकालीन थी। इसके अलावा एक सभ्यता बागौर सभ्यता के नाम से भीलवाड़ा में जानेगी, जिसका 1966 से 1969 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने खोज और उत्खनन कार्य किया था। हमें यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो गोफन की गोलियां, कांच के आभूषण, तांबे के उपकरण, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं, इसमें एक तांबा भी प्राप्त हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि जैसे आहर सभ्यता में तांबे का काफ़ी प्रचलन था, उसी के कारण से उदयपुर के पास भीलवाड़ा में भी चूंकि ये सभ्यता मिली, यहाँ पर भी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं के साथ मानी गई। और यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है उनको महाशक्तियों का टीला और उत्तर पाषाणकालीन युगीन माना गया है, ये बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में। इसके अलावा एक सभ्यता बालाथल सभ्यता जो वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, बालाथल नामक स्थान वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में वहां पर स्थित है। इसकी खोज 1993 में की गई वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। यहां से जो हमें प्राप्त हुआ है 11 कमरों का एक बहुत बड़ा भवन प्राप्त हुआ है, जिसकी आकृति देखने में दुर्ग जैसी लगती है यानी किले जैसी लगती है। 11 कमरों का एक बहुत बड़ा भवन दुर्ग जैसा लगता है। यहां से हमें कुत्ते व सांड की आकृति की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसका ये आशय भी है कि इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन वहाँ बालाथल सभ्यता में हुआ करता था। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनका प्रमुख धंधा आखेट कृषि और पशुपालन हुआ करता था। कृषि और पशुपालन हमेशा प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा एक सभ्यता नौ सभ्यता के रूप में जानेगी जो भरतपुर के निकट मल्लाह नामक गाँव से प्राप्त हुई है। भरतपुर के निकट मल्लाह नामक स्थान से नौ सभ्यता, इसकी खोज और उत्खनन कार्य 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वह प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति, प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति यहाँ से मिली है। इसके अलावा शिकार के काम आने वाले तीर भी यहाँ से प्राप्त हुए और स्वास्तिक के चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए। भरतपुर के पास बहने वाली रूपाल रेल नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है सारी सभ्यताएं लगभग नदियों के किनारे ही विकसित हुई। एक रेड सभ्यता, यह रेड सभ्यता टोंक जिले में है जो ढील नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का विकास भी टोंक जिले में ढील नदी के किनारे पर विकसित हुआ है। यहाँ से मालवा जनपद की मुद्रा तथा लोहे की अत्यधिक सामग्री प्राप्त हुई। मालवा जनपद जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा का इलाका या इधर अलवर के आसपास का जो इलाका है वो मालवा कहलाता है, उसी जनपद की मुद्राएं और लोहे की सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। और इसी कारण से इस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड को, जो रेड नगर है, छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण सभ्यता है नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बेड़च नदी के किनारे विकसित। 1904 में इसका उत्खनन कार्य भंडारकर के द्वारा किया गया। डी आर भंडारकर ने इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। प्राचीन काल में नगरी को मध्यमिका कहा जाता था। मध्यमिका जो सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका कहा जाता था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका और सीवी जनपद के सिक्के जिस पर मध्यमिका सीवी जनपदस्थ लिखा हुआ है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद के जो सिक्के प्रचलित थे जिसके ऊपर मध्यमिका सीवी जनपदस्थ लिखा हुआ पाया गया वो सिक्के नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ से गुप्तकालीन कला तथा चक्राकार कुएं प्राप्त हुए। चक्राकार रिंग वेल्स कहा जाता है, यानी कि कुएं में ऊपर से नीचे तक कुछ दूरी पर एक रिंग यानी कि एक चक्कर सा बना हुआ होता है जिसमें नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने में लोग उसको काम में लिया करते थे। ये चक्राकार कुएं भी सिवी जनपद से हमें प्राप्त हुए। पाणिनि ने भी इस सभ्यता का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। इससे ये आभास होता है कि ये सभ्यता अति प्राचीन थी। पाणिनि के समय इस सभ्यता का या तो अस्तित्व रहा होगा या उस समय प्रचलित रही होगी। यहाँ से
गोसुंडी व हाथीबाड़ा का शिलालेख मिला है। दो महत्वपूर्ण शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं इस नगरी सभ्यता से, एक तो गोसुंडी का शिलालेख और एक हाथीबाड़ा का शिलालेख जिसका इतिहास में अपना महत्व है। यहाँ से प्राप्त मंदिरों से तीन तथ्य उभरते हैं, यहाँ से जो मंदिर प्राप्त हुए उनसे तीन तथ्य उभरते हैं। क्या क्या? सबसे पहला, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के प्राचीन मंदिर यहाँ पाए गए, यानी जो मंदिर मिले वो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा दूसरा तथ्य, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का शुंगकालीन मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। शुंगकालीन मंदिर द्वितीय शताब्दी का इस नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए और इनकी खोज डीआर भंडारकर द्वारा की गई थी। गोसुंडी व हाथीबाड़ा के शिलालेख जो 1887 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहासकार श्यामलदास, जिनका पूरा नाम था श्यामलदास ददवाड़िया, जो सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे जिनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी, इनके द्वारा खोजा गया था। मेवाड़ दोबारा बता दूं, श्यामलदास ददवाड़िया जो सज्जन सिंह जो मेवाड़ के महाराजा थे उनके दरबारी कवि थे और श्यामलदास ददवाड़िया को कवि राजा की उपाधि भी प्राप्त थी। इनके द्वारा 1837 ईस्वी में गोसुंडी व हाथीबाड़ा के शिलालेख खोजा गया था। गोसुंडी शिलालेख को इतिहासकार डी आर भंडारकर द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया, यानी गोसुंडी जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसको पढ़ने में सफलता सबसे पहले इतिहासकार डी आर भंडारकर को प्राप्त हुई थी और यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी का सबसे प्राचीन शिलालेख है। यानी इस शिलालेख में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उससे पता चलता है कि यह शिलालेख राजस्थान में सबसे प्राचीन संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की जानकारी प्रदान करता है। तो यह है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी एक साथ कालीबंगा और आहड़ की, आज हमने बात की है और विभिन्न सभ्यताओं की जिनमें सबसे प्रमुख सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता, उसके बाद बात की हमने बेराट की सभ्यता, उसके बाद बात की हमने आर्य सभ्यता, उसके बाद रंगमहल, फिर बागोर, फिर बालाथल, फिर नोह, फिर रेड और अंत में नगरी सभ्यता। इस प्रकार से कुल मोटी मोटी 11 सभ्यताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है। हालांकि और भी प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर है लेकिन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के रूप में जिनमें कुछ तथ्य उभरते हैं वो यही सभ्यताएं रही है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया आइयो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।